हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन वेलकम आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ अलबरटा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एंड टू एंड प्रोसेस क्या है चाहे आप यूनिवर्सिटी में प्लस टू के बाद आना चाहते हैं चाहे आप मास्टर्स के लिए आना चाहते हैं अपनी बैचलर्स के बाद बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बरटा का रिव्यू देखना चाहते हैं मैंने अपनी मास्टर्स वहीं से की है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ अलबरटा के मेरे एक्सपीरियंस की जिसमें मैंने हर चीज़ डिस्कस की है इंफ्रास्ट्रक्चर फैकल्टी कैसी है प्लेसमेंट्स कैसी हैं ये सारी चीज़ें तो मैं उसको लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में आप वो देख सकते हैं इस वीडियो में हम आज डिटेल में बात करेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है एंड टू एंड प्रोसेस हम देखेंगे एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या है आपको फ़ीस कितनी लगती है आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ते हैं कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स के ऑप्शन हैं को आप, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में सो so, सबसे पहले आता है कि आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना है जो मैंने किया था मैंने अपनी बैचलर्स की थी आईटी में इंडिया से ही देन मैं जॉब करती थी आईटी में तो मुझे मास्टर्स भी करनी थी अपनी फील्ड में इसलिए मैंने आईटी टी सिलेक्ट की यहाँ पे uh, मास्टर्स की मैंने इंटरनेट वर्किंग में जो एक स्पेशलाइज्ड था आई में भी एक स्पेशलाइज्ड कोर्स था वो मैंने किया तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं जिस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हैं या फिर आपको किसी स्पेसिफिक फ़ील्ड का एक्सपीरियंस है या फिर आपको इंटरेस्ट है किसी फील्ड में तो आप उस हिसाब से अपना कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं

दो ऑप्शन मिलते हैं कि आप मास्टर्स जो है वो थीसिस बेस्ड करना चाहते हैं कोर्स बेस्ड करना चाहते हैं अगर आप कोर्स बेस्ड करते हैं तो उसमें आपको थीसिस नहीं लिखना होता उसमें आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है तो ये दो ऑप्शन आपके पास होती हैं अब हम डिस्कस करते हैं कि एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं एडमिशन रिक्वायरमेंट में सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए आप आइल्स दे सकते हैं पीटी दे सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में वो एक्सेप्टेड है और फरवरी 2020 ऑनवर्ड्स यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा आपका डुओलिंगो टेस्ट भी एक्सेप्ट कर रही है अब डिस्कस करते हैं कि आपको बैंड्स कितने कितने चाहिए आयल्स अगर आप देते हैं तो आपको सिक्स ईच चाहिए हर सेक्शन में और सिक्स पॉइंट फाइव ओवरऑल चाहिए आयल्स में सबसे ज़रूरी है मैं जो सजेस्ट करती हूँ कि आयल्स में आपको कोचिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है सिक्स बैंड सिक्स पॉइंट फाइव ओवरऑल आ जाते हैं अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है किसी भी सेक्शन में तो आप मेरी आयल्स सीरीज चेक कर सकते हैं मेरे आई में एट बैंड आए थे तो मैंने पूरी सीरीज बनाई हुई सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की हैं सारे क्वेश्चन तो आप वो वाली मेरी वीडियो देख सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन अगर आप पी देते हैं तो पी में आपको सिक्सटी ईच चाहिए सारे सेक्शन में और सिक्सटी वन ओवरऑल चाहिए अगर आप दो लिंगो टेस्ट देते हैं तो उसमें आपको 95 हर सेक्शन में चाहिए और 115 ओवरऑल चाहिए अब बारी आती है कॉम्पिटिटिव रिक्वायरमेंट्स कॉम्पिटिटिवि रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि अगर आप प्लस टू के बाद आना चाहते हैं कोई कोर्स लेना चाहते हैं बैचलर्स लेना चाहते हैं तो आपकी प्लस टू में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए और अगर आप मास्टर्स के लिए आते हैं तो आपकी बैचलर्स में कितनी होनी चाहिए सो so, अगर आप प्लस टू के बाद कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं बैचलर्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में आना चाहते हैं तो आपकी जो इलेवंथ की जो हर सब्जेक्ट है ना उसमें आपको एटलीस्ट सिक्सटी चाहिए और सेवेंटी ओवरऑल होनी चाहिए प्लस वन में और प्लस टू में आपको सिक्सटी हर सब्जेक्ट में और सेवेंटी ओवरऑल होनी चाहिए सो ऑल इन ऑल आप एवरेज देख सकते हैं कि प्लस वन प्लस टू की आपकी सेवेंटी मिनिमम होनी चाहिए अगर आप मास्टर्स के लिए आना चाहते हैं तो आपकी मास्टर्स में आपकी ओवरऑल जो परसेंटेज है 75 फाइव परसेंट से ऊपर होनी चाहिए ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है और अगर आपका लेटर ग्रेडिंग सिस्टम है तो आपको बी ग्रेड चाहिए अगर आपका नंबर ग्रेडिंग सिस्टम है जैसे सी है आपको थ्री आउट ऑफ फोर चाहिए लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपके ग्रेड्स ये गारंटी नहीं करते हैं कि आपको यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में एडमिशन मिलेगी कि नहीं तो यहाँ पे जो एडमिशन होती है वो रोलिंग बेसिस पे होती है जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी आपके चांसेस हैं क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड सीट्स होती हैं जो जल्दी फिल हो जाती हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ अलबरटा का जो एक्सेप्टेंस रेट है वो भी फिफ्टी है तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपको कि अगर आप ये यूनिवर्सिटी कंसिडर कर रहे हैं तो आप जल्दी अप्लाई करें क्योंकि मैंने दिसंबर में अप्लाई किया था और जो मुझे ऑफर लेटर है वो अप्रैल में आया था तो पूरे चार महीने लगे थे तो जल्दी अप्लाई करना एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि अगर आप मास्टर्स के लिए आना चाहते हैं तो अगर आपने थ्री ईयर कोई प्रोग्राम किया है बैचलर्स का तो आपको एक साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आपने फोर ईयर्स बैचलर्स की है देन इट्स नॉट एन इश्यू हर कोर्स की अपनी स्पेसिफ़िक रिक्वायरमेंट्स होती हैं कुछ कुछ कोर्सेज यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे हैं जिसमें रिक्वायरमेंट होती है कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टडीज़ के साथ साथ तो वो आप अपने पर्टिकुलर कोर्स में देख सकते हैं अब बारी आती है डॉक्यूमेंट्स की कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आता है आयल्स आयल्स का आपको स्कोर कार्ड चाहिए होता है जितनी भी रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई है कितने आपको बैंड्स चाहिए उसके बाद आपकी आती है एस स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ ये आपको इंक्लूड करनी होती है जब आप अप्लाई करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में कैनेडा में कहीं पर भी आप कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि एस आप अपनी खुद बनाएं जब आप कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं तो वो आपकी एस बनाते हैं दे डोंट नो अबाउट यू सो ये सबसे बड़ा रीजन होता है रिजेक्शन का एस आपको खुद बनानी है इसकी जो इन डिटेल वीडियो में बाद में लेके आऊंगी बट अभी के लिए मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि एस में आपको डिस्क्राइब करना है कि जो आपने कोर्स सिलेक्ट किया वो क्यों किया है आपने यूनिवर्सिटी ऑफ अलबर्टा क्यों सिलेक्ट की एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ कैनेडा ही क्यों आप आना चाहते हैं ये सारी चीजें आपको फोकस करके एस लिखनी है एस के बाद आपको चाहिए रेफरेंस लेटर्स रेफरेंस लेटर मैंने जो दिए थे मैंने तीन दिए थे कोशिश करना आप भी तीन ही देना दो आप अपनी यूनिवर्सिटी से दे सकते हैं कॉलेज से दे सकते हैं जहाँ से आपने प्लस टू की है या बैचलर्स की है एक आप दे सकते हैं अगर आपको एक्सपीरियंस है तो अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपना जो रेफरेंस लेटर है वो तीनों कॉलेज से दे सकते हैं डोंट ट्राई टू कॉपी लेटर ऑफ रेफरेंस मतलब ये आपको नहीं लिखना आपके जो टीचर्स हैं वो आपके बारे में लिखेंगे कि वो आपको एज ए स्टूडेंट कैसे देखते थे कैसा आपका एक्सपीरियंस था बिहेवियर क्या था क्या क्या आपकी अचीवमेंट्स थी ये सारी चीजें आपके टीचर्स आपको लिख के देते हैं उसके बाद नेक्स्ट जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो चाहिए आपको आपकी ट्रांसक्रिप्टो so, आप ये रिक्वायरमेंट चेक कर सकते हैं कई कई कंट्रीज में यहाँ पे आपको ट्रांसक्रिप्ट वेरीफाई करा के भेजनी पड़ती है मतलब वो इंग्लिश में नहीं होती है अगर आप इंडिया से आ रहे हैं देन यू डोंट हैव टू वेरीफाई तो आप ट्रांसक्रिप्ट डायरेक्टली भेज सकते हैं यूनिवर्सिटी को नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है कैपस्टोन प्रोजेक्ट की कैपस्टोन प्रोजेक्ट जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो उसमें ऑप्शनल होता है कि कई कई कोर्सेज में इसकी रिक्वायरमेंट होती है ऑप्शनल होता है लेकिन मेंशन किया होता है कि अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो इससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एडमिशन के जैसे जो मेरा कोर्स था इंटरनेटवर्किंग का मास्टर्स का उसमें यह ऑप्शनल था कि मैं दे सकती हूँ कैप्स्टोन प्रोजेक्ट होता है कि एक प्रॉब्लम जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं जो आप कोर्स करेंगे उसकी हेल्प से राइट तो उसमें आपको यही लिखना होता है कि ये प्रॉब्लम है मैं ये कोर्स इसलिए लेना चाहती हूँ क्योंकि इस कोर्स से मुझे हेल्प होगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और उसमें आप रेफरेंसेज डाल सकते हैं जहाँ से भी आप गूगल से अगर हेल्प लेते हैं बट डोंट ट्राई टू कॉपी एनी थिंग इट शुड बी योर ओन वर्क तो वो वो चीज़ें आप एक दो पेज की लिख के उसको अपलोड कर सकते हैं साथ में काफ़ी प्रोग्राम्स में ये ऑप्शनल होता है और चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं एडमिशन के मैंने भी सबमिट किया था तो ये नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है तो दैट्स ऑल अबाउट डॉक्यूमेंट्स ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में अप्लाई करने के लिए वंस यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स आपको पता लग गया रिक्वायरमेंट्स क्या है आइए की रिक्वायरमेंट कॉम्पिटिटिव रिक्वायरमेंट्स कितनी परसेंटेज को चाहिए तब आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है सिलेक्ट द कोर्स जहां पे भी आप जाना आपको सिंपल एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है एप्लीकेशन फीस होती है हंड्रेड डॉलर्स आपकी और बस आपको सबमिट करना है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसके बाद सिंपल ट्रैक करना है जब भी आपका जो ऑफर लेटर आएगा वो आपको मेल भेजेंगे और दैट्स ऑल यू हैव टू डू इट्स रियली सिंपल प्रोसेस जस्ट आपको रिक्वायरमेंट मीट करनी है अब बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की डिफरेंट कोर्स में डिफरेंट स्कॉलरशिप्स होती हैं जैसे कि किसी किसी कोर्स में नहीं भी होती मेरा जो कोर्स था इंटरनेट वर्किंग का अनफॉर्चुनेटली ये कॉस्ट रिकवरी प्रोग्राम था इसमें कोई कोआ भी नहीं थी और इसमें कोई स्कॉलरशिप की ऑप्शन भी नहीं थी तो आपको आपका जो अपना कोर्स होगा जो आपने डिसाइड किया है आप उसकी रिक्वायरमेंट्स में देख सकते हैं कि आपको स्कॉलरशिप की ऑप्शन है या नहीं है कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी यूनिवर्सिटी ऑफ अलबटा में बहुत सी डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलरशिप की ऑप्शन हैं कोर्सेज में तो आप वो चेक कर सकते हैं अब बारी आती है को की सो so, कोआप में ये है कि कोर्सेज uh, में को आप आपको मिलती है एक ट्रेनिंग की तरह वो कंबाइंड होती है जैसे मेरा कोर्स था मेरे कोर्स में कोआप नहीं थी प्रोजेक्ट था तो अगर आपका कोर्स जो आपने सिलेक्ट किया है सी इफ़ दे हैव द कोऑप ऑप्शन को ऑप ऑप्शन आपके बहुत चांसेस इंप्रूव कर देती है जॉब मिलने की ईजी मिल जाती है फास्ट मिल जाती है क्योंकि जिस भी कंपनी में आप को ऑप करते हैं कॉलेज की तरफ से सपोर्ट होती है आपको वो आपको को ऑप आप ऑप्शन देते हैं देन उस कंपनी में आप ऑलरेडी ट्रेनिंग कर चुके होते हैं तो आपके जो चांसेस हैं जॉब लगने की वो भी बढ़ जाते हैं तो ये को ऑप का सीन है मेरे कोर्स में को ऑप भी नहीं थी बट जॉब फिर भी मिल जाती है अगर आप अच्छे से स्टडी करते हैं तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता बट हाँ को ऑप हेल्पफुल बहुत होती है अगर आपको मिल जाए तो अब बारी आती है नेक्स्ट फीस की यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में फ़ीस कितनी है सो ऑन एन एवरेज आपको जो यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में जो एवरेज फीस है वो ट्वेंटी वन थाउजेंड कनेडियन डॉलर्स पर ईयर है बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द कॉर्सेज हर कोर्स की अपनी फ़ीस होती है मतलब हर हर जो आपका बैचलर्स का कोर्स है या मास्टर्स का उसके हर सब्जेक्ट की आपकी फ़ीस होती है तो सेमेस्टर में आप जितने सब्जेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से आपको फ़ीस देनी पड़ती है सो दैट्स इट गाइज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा के एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के रिगार्डिंग मुझे आप कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में मैं ट्राई करूंगी कि अगर मुझे वो पता है तो मैं आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी दैट्स ऑल तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखना टेक केयर बाय बाय